नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में दो तीन जगह सबसे पहले जाने का ख्याल आता है, जैसे जम्मू कश्मीर या शिमला। लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिप के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप अगर कभी सफ़र करोगे तो आपको यह ट्रिप वाकई यादगार रहेगी और लगेगा कि ये जम्मू कश्मीर और शिमला से ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम शुरू करते हैं अपने वेस्टर्न घाट रेल सफ़र की, और हम शुरू करते रहे हैं कोलम रेलवे स्टेशन से, जो घाटी है वहाँ से जाने के लिए यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी। तो इस टाइम पर हमारी ट्रेन चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस 16102 नंबर निकल चुकी है अपने राइट टाइम पर 12 बजे। ये ट्रेन का टाइम है दिन में, और इस टाइम पर यहाँ से ये निकल चुकी है। और ये जो घाटी है इस पर आगे से इंजन जोड़ेंगे। इसमें अब फिलहाल में ट्रेन पर सिर्फ एक ही लोकोमोटिव लग रहा है। तो इस अगर आपको इस ट्रिप पे आना होगा, कैसे आया जाएगा, कितना खर्च लगेगा, पूरी डिटेल आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री है, आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये कोलम रेलवे स्टेशन है, ये त्रिवेंद्रम से पहले पड़ता है, करीब 70 किलोमीटर पहले। और यहाँ से जो ये साइड में लोकोमोटिव जा रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-5, ये यहाँ से ट्रैक छोड़ रहा है, ये बम्बई के लिए जा रहा है, जो ये लोकोमोटिव अभी साइड से निकला हुआ है। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है इस टाइम पर, और यहाँ से 2 लोकोमोटिव और एक्स्ट्रा इस गाड़ी में जोड़े जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत ऊंचाई है पहाड़ी क्षेत्र पर, तो इसलिए इसमें 1 लोकोमोटिव आगे और 1 लोकोमोटिव पीछे जोड़ा जाएगा। तब जाके इसको ट्रेन को जो अपनी घाटी है उस पर ले जाया जाएगा, और आगे क्या सफ़र तय करेगी ये ट्रेन। तो चलिए नीचे आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, यानी साउथ के सारे रेलवे स्टेशन हमारे साफ़ सुथरे मिलेंगे। तो रेलवे स्टेशन का नाम है फुलनूर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हर गाड़ी का इंजन चेंज, मतलब एक्स्ट्रा इंजन जोड़े जाते हैं। यानी इधर से जो ट्रेन आएगी मुद्रे की तरफ से, तो उसके इंजन यहाँ पर खुल जाएंगे, आगे एक ही लोकोमोटिव ले जाएगा, और यहाँ से 2 लोकोमोटिव एक्स्ट्रा जोड़ के और आगे तक ले जाया जाएगा। इनका फिक्स है, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा आगे सफ़र में। तो यहाँ पर देखिए साफ सफाई हमारे उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों से काफ़ी अच्छी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा। आपको कोशिश करिए कि बारिश के मौसम में आए तो और भी आपको कई वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस जगह से पहाड़ी की चढ़ाई शुरुआत हो जाती है, और देखिए नदी। तो यहाँ से धीरे धीरे आपको देखने से लग रहा होगा कि जो ट्रेन है ये ऊंचाई पर चढ़ती जा रही है, और लोकोमोटिव 2 आगे लग रहे हैं, 1 लोकोमोटिव पीछे लग रहा है इसके, और 3 लोकोमोटिवों की सहायता से ये ट्रेन धीरे धीरे घाट सेक्शन पर चढ़ती हुई, और आगे आपको देखने को मिलेगा घाटी के बड़ी बड़ी ऊंचाई से जो पहाड़ी की वादियां देखने को मिलेगी, यानी बिल्कुल आसमान को छूती हुई ट्रेन जाहिर निकलेगी हमारी। देखिए इसमें पीछे एक पावर जुड़ी हुई है, एक लोकोमोटिव पीछे से धक्का लगा रहा है, और कैसे घूमती हुई ये सफ़र में जो ट्रेन है उसकी जो ट्रैक की स्थिति ऐसे है, बिल्कुल जैसे सांप घूमता रहता है ना, जैसे अमेजन नदी की स्थिति है ना, ऐसे ही घूम घूम के जाएगी ये, क्योंकि पहाड़ियों पे। तो बने रहे हमारे वीडियो में और करें एंजॉय वीडियो का।
देख सकते हैं पीछे से लोकोमोटिव किस प्रकार से ट्रेन के धक्का लगा रहा है, और ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा भी नहीं है, करीब 40 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है ट्रेन। और यहाँ पर जो आपको देखिए सामने यहाँ पर जो रबर के पेड़ है वो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको पतले पतले से जो दूर, ये सारे रबर की खेती है यहाँ पर। और इनके पॉलीथीन लगा रखी है, यानी कट लगा के पॉलीथीन में इनका गोंद गिरता रहेगा और वो आगे की सप्लाई के लिए जिस होता होगा वो चलता है। और देखिए आप दृश्य देखिए बदल, और देखिए कैसे जो घाट सेक्शन वो स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे। और यहाँ पर केले के पेड़ है, केले की खेती भी की जा रही है साथ में, तो केले के पेड़ और रबड़ के पेड़ ज़्यादा देखने को मिल रहे। और जो यहाँ पर जो नारियल के पेड़ वो कम है इस जगह पर। ये जो घाट सेक्शन है ये केरल और तमिलनाडु के दोनों की सीमाओं पे है, तो ये बिल्कुल जो हमारा ये घाट सेक्शन ख़त्म होगा वहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र चालू हो जाएगा। इस टाइम पर ये केरला के क्षेत्र में चल रही है ट्रेन। देखिए आप केला की खेती बिल्कुल ट्रैक के पास में लगे हुए केला के पेड़। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रिप पे आने के लिए किस प्रकार से आया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के राज्यों से आ रहे हैं तो आपको हज़रत निज़ामुद्दीन से मदुरई के लिए ट्रेन मिल जाती है। तो आप मदुरई जब आ जाओगे तो मदुरई से आपको कोलम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन सर्च करके देख लेना है, तो उसी मदुरई और कोलम के बीच पे जो ट्रेन चलती है वो इसी रूट से आती है, इसी वेस्टर्न घाट से चलेगी। और यह अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन से बम्बई होते हुए मडगांव मैंगलोर होते हुए आओगे तो आपको जो त्रिवेंद्रम वाली जो ट्रेन है, जो भी त्रिवेंद्रम ट्रेन आती है, तो उन पर आपको टिकट कराना है और कोल्लम रेलवे स्टेशन पर उतर जाना है। हम भी इसी रूट से आए थे, हम बेंगलोर और गोवा होते हुए आए, कोल्लम रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। कोल्लम रेलवे स्टेशन से हम मदुरई के लिए दूसरी ट्रेन हमने जो इस ट्रेन है चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस, इसमें रमन ने टिकट कराया है। ये 12 बजे चलती है ये वाली जो ट्रेन हम सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप स्लीपर में नहीं करा सकते तो इसके जनरल बिल्कुल खाली चलते हैं, यानी उत्तर भारत की नहीं ट्रेन भरी हुई नहीं चलती है, खाली चलती है सारी ट्रेन लगभग, क्योंकि शायद जनसंख्या भी हम उत्तर भारत की बजाय इधर को केरला साइड कम है। और देखिए वीडियो बनाएं कभी भी अगर तो ऐसे सेफ्टी से बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है उसमें झटके लगते हैं गाड़ी के, क्योंकि घुमावदार है। देखिए सामने क्रॉसिंग हो रही है और ट्रेन है किसी इधर से आई हुई है मदुरई की तरफ से, तो इसका दूसरा रैक है जो ये वाला ही रैक है चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस का जो मदुरई से चला है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग है इसकी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली चल रही है ट्रेन, ये स्लीपर कोच है और साथ में ये जनरल कोच भी देखिए बिल्कुल खाली है, यानी उत्तर हमारे यूपी बिहार उधर की तरफ
भेजी नहीं सकती है यहाँ पर। और देखिए पीछे भी लोकोमोटिव पावर जुड़ी हुई धक्का देने के लिए। तो ये आ गई, जब हमारा वो स्टेशन बताया वहाँ पर ये पावर हट जाएगी और आगे वाला लोकोमोटिव इसको कोलम रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, देखिए दूर दूर तक पहाड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल घाट सेक्शन। अब थोड़े ही हमारे
बदकिस्मती ये है कि हालांकि हम बारिश के मौसम में आए हैं अगस्त का महीना इस टाइम पर, लेकिन बारिश 3-4 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि ये यहाँ पर साउथ साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी इस साल पता नहीं सीज़न खा लिए, बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली हमको। और आप देख सकते हैं बिल्कुल घाटियाँ, और ये ट्रेन हमारी लगभग 4 घंटे के करीब हो चुका है और बिल्कुल ऐसे ही दृश्य चल रहा है। और बिल्कुल घाटियों के ऊपर ट्रेन चल रही है और बिल्कुल ऐसे ही सारी घाटियों में ऐसे घूम घूम के चल रही है बिल्कुल। जितना मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है उतना कर सकता है। अगर आप जब सफ़र करोगे तो लाइव देखोगे तो आपको उससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर घाट सेक्शन पर और ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई, और छोटे छोटे गांव या घर दिखाई दे रहे हैं 10-20 की संख्या में। तो सामने आपको देखिए वो रेलवे का पुल दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, वो इधर से ही होती हुई हमारी ये जो ट्रेन जाएगी घूमती हुई बिल्कुल सांप की तरह लहराती हुई बिल्कुल। देखिए वो सामने वाइट जो घर सा दिखाई दे रहा है वो रेलवे का पुल है ट्रेन के जो इसी ट्रैक का। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, और जो बेल आइकन वाली जो घंटी वाला आइकन दिखाई देता है ना उसको क्लिक कर देना, तो जिससे कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बिल्कुल बिना देरी करते हुए। दोस्तों ये वाला जो पुल मैंने आपको इधर से दिखाया था वो उस पुल के पास में आ पहुंची है ट्रेन, यानी वो सामने वाली जो पहाड़ी है उधर से आ रही थी उस टाइम पर ट्रेन, और देखिए घूमती हुई उसी पुल से निकली हुई है जो मैं बता रहा था वाइट कलर का घर जैसा। और पीछे से देखिए लोकोमोटिव जावाज धक्का लगाते हुए, तो देख सकते हैं आप भारतीय रेलवे कितनी ऊँचाई वो तक पहुँच चुकी है। और अब
लद्दाख की तरफ भी भारतीय रेलवे का काम चल रहा है, ट्रैक का काम चल रहा है। तो कुछ ही सालों में इंडियन रेलवे की जो ट्रेन है सारी लेह लद्दाख तक पहुंचेगी। इधर को श्रीनगर से आगे तक भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से एंजॉय किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो ये है करिश्मा भारतीय रेलवे का। आप सोच सकते हो कितना पैसा खर्च होया होगा इस ट्रैक को तैयार करने में। तो रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है और रेलवे स्टेशन का नाम भी कुछ अजीब सा है, पढ़ा भी नहीं गया इतनी जल्दी में। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है, शायद इसका स्टॉपेज है नहीं है यहाँ पर। तो नॉन स्टॉप निकल जाएगी ट्रेन।
तो दोस्तों इसी प्रकार का एक और घाट सेक्शन पर हमने इससे पहले सफ़र किया था, वो बेंगलोर से मंगलोर के बीच में पड़ता है और वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है घाट सेक्शन, क्योंकि उसमें करीब 10 घंटे का जो सफ़र होता है वो पूरा घाट सेक्शन में ही चलती है। इस पर करीब 6 घंटे के करीब है जो घाट सेक्शन, बाद में मैदानी इलाका आ जाएगा इसमें, हालांकि वो भी देखने लायक है मैदानी इलाका जो तमिलनाडु के का क्षेत्र चालू जाएगा उस पर। और उस घाट सेक्शन का अगर आपको वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस घाट सेक्शन पर आपको अगर सफ़र करना होगा तो बेंगलोर से मैंगलोर के बीच पर आप ट्रेन सर्च कर लेना है। और देखिए ये रेलवे स्टेशन और आ चुका है और इस पर भी इसका स्टॉपेज नहीं है। तो उन वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उस चेक कर ले। Thank you.
तो दोस्तों देखिए, नदी है, एक छोटी सी नदी बहती हुई, बिल्कुल पानी आप देख सकते हो, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और बस साइड में रोड है गार्ड, जिस पर ट्रक जीप चलती हुई, और बिल्कुल पास में ही ट्रेन, यानी ट्रेन, रोड और नदी, देखिए तीनों का कॉम्बिनेशन और कितना प्यारा लग रहा है। और ये छोटा सा कस्बा सा है, बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा। और ट्रेन अपने बहुत ही कम स्पीड में चलते हुए, और ये देख छोटा सा एक कस्बा टाइप है, पता नहीं गांव है, बिल्कुल बहुत ही कम घर है, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ, चारों तरफ से पहाड़ियाँ है। और बिल्कुल कितनी साफ़ सुथरी नदी थी, पानी बिल्कुल साफ था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए एक दो घर दिखाई देते हैं बीच बीच में। तो केरल में अक्सर आपको शहर का गांव का मालूम ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही रोड के किनारे किनारे पर ज़्यादा बसे हुए मिलते हैं, एक दो घर आते ही मिलेंगे कंटिन्यू, 50, 500, 200 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर शहर का और कस्बा का गाँव का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन निकला हुआ, कोई छोटा रेलवे स्टेशन था। और देखिए यहाँ पर देखिए नारियल है और उसके भी पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिले थे हमको नारियल के खेत। यहाँ पर देखिए केला के, तो यहाँ पर केला के बहुत ज़्यादा कई तरह के सामग्री बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो केला का कीमत है वो 70 रुपये किलो, यानी हमारे साइड से भी ज़्यादा महंगे केला 70 रुपये किलो, और हमारे वहाँ पर सर 40 रुपये के आसपास से मिल जाता है, क्योंकि केला यहाँ और कामों के भी यूज़ आती है, सब्जी, चिप्स, बाकी और भी जो यहाँ की लोकल रेसिपी है उनमें काम आई जाती है रोज़।
तो दोस्तों इस टाइम पर अब जो ट्रेन है वो लग रहा है धीरे धीरे नीचाई पर उतरती जा रही है। तो यानी अब जो घाट सेक्शन है ये समाप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेन की जो ढलान है उस पर चलती हुई, देखने से लग रहा है कि जैसे ट्रेन नीचाई में जा रही है। और देखिए नीचे कितना अच्छा दृश्य है, बिल्कुल नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सामने देखो नीचे। तो ये देखिए कुछ मैदानी इलाका सा आता जा रहा है, और बिल्कुल देखिए पहाड़ियाँ भी, यानी वो सामने से जो पहाड़ी दिख रही है उन पर ये होती हुई है, घूमती घूमती आई है ट्रेन, बिल्कुल जैसे अमेजन नदी का डिजाइन है ना उसी प्रकार से ये घूमती हुई, कभी बिल्कुल पास में आ जाती है वो जो फिर से दूसरी तरफ घूम जाती है ऐसे। देखिए धीरे धीरे मैदानी इलाका आ रहा है, और देखिए ट्रेन की देखिए ढलान पर चलती हुई आप देख सकते हैं। देखिए पीछे से ऊँचाई है और आगे से देखिए नीचाई पर चलती हुई ट्रेन। तो आगे जो ये लोकोमोटिव है जो पीछे वाला वो हट जाएगा और आगे वाला भी एक हटा देंगे, तो इस पर सिर्फ एक ही लोकोमोटिव आगे ट्रेन को ले जाएगा मदुरई तक। अब मैदानी इलाका आ चुका है, देखिए इस पहाड़ी से आई है हमारी ट्रेन, सामने दिखाई दे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल ट्रेन की रफ्तार स्लो हो चुकी है, आगे रेड सिग्नल है, कोई आगे कोई ट्रेन खड़ी होगी तो या वो स्टेशन पर आ जाएगी तब इसको सिग्नल दिया जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल खेत आ चुके हैं, मैदानी इलाका आ चुके हैं, और यहाँ से शायद तमिलनाडु का क्षेत्र चालू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन स्टॉप हो चुकी है, रेड सिग्नल है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए सामने आपको खेत दिखे दे रहे होंगे छोटे छोटे, और कुछ नारियल के पेड़ है, और सामने पीपल का भी पेड़ दिखाई दे रहा है, और आम के पेड़ है, बिल्कुल यहाँ कॉम्बो स्थान जैसा लग रहा है कुछ, यानी इधर को हमारे इधर को राजस्थान और हरियाणा का जैसा पीपल के पेड़ों को देख के लग रहा है, आमों के पेड़ को देख के ऐसा लग रहा है यूपी वाला एरिया आ गया है। देखिए वो गाय खेतों में अपने चारा खाती हुई देखिए, और इधर को ये जो पहाड़ी है ये समाप्त होती हुई। तो देखते हैं कितनी देर में सिग्नल मिलता है,
तो आगे का भी जो मैदानी इलाका वो देखने लायक है, यानी आपको नारियल की खेती के खेत दिखाई देंगे, नारियलों के पेड़ों के खेत दिखाई देंगे, सॉरी। तो ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई अब आगे तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा और जो सामने दिखाई दे रहा है उसी घाट सेक्शन से ट्रेन 6 से 7 घंटे लगाकर आई हुई है, घूमती हुई इस मैदानी इलाके पर उतर चुकी है। यहाँ पर नारियल की खेती और चावल की खेती देखने को मिल रही है, यानी मैदानी इलाका है पूरा, और उस पर अब ये ट्रेन मदुरई तक मैदानी इलाके में चलेगी। तो आगे जाके इसका पावर शायद हटा देंगे, आगे जाके एक ही पावर इसको आगे का सफ़र के लिए मदुरई तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ यार वो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।